स्पेशलिस्ट ने कहा है कि जो हेमिस्फीयर मशरिक का मजबूत तार और वसी तार है वो स्पिरिचुअल और थॉट का है, और जो हेमिस्फीयर मगरब को नसीब है वो टेक्नोलॉजी का। उसमें आप वो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते जोड़ते, बहरहाल हम लेथार्जिक कौमों से बेहतर हैं कि वो एक चीज को दूसरी से एक नफीस तरीन चीज तख्लीक कर लेते। बट आई स्टिल वुड से कि अगर आपके लोग बाहर जाए, उनको पैसे मुनासिब मिले और रोटी खानी उनको नसीब हो, तो मुझे यकीन है वहाँ के बेहतरीन स्किल्ड लोगों से भी ये आगे बढ़ जाते हैं। तो खादिम हज़रात, असर हाजिर में दो बड़े पहलू हमारे हैं कि कब आप अल्लाह चाहेगा, कब हम सोचेंगे, कब हम इस मगरबी निज़ाम की तहकीर से आज़ाद हों। आई डोंट सी, देखो जब हम बात करते हैं तो किस चीज़ में वो आगे हो, क्या कोई ऐसा तस्वुराती निज़ाम है, ऐसा तख्लीकी निज़ाम है जिससे वो जिसमें वो बहुत आगे हैं। अगर गौर कीजिए तो इन चार पांच सदियों में टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, इल्म ने तरक्की नहीं की। मेरे नज़दीक, मैं भी एक सादा सा थिंकर हूँ, मेरे नज़दीक वो तमाम जिंदगी बेकार है जिसमें एक सवाल इब्तदा में ही हल ना किया जाए। वो कितनी बेकार जिंदगी बनती है कि जो ये सोच ही नहीं रही कि मेरी जिंदगी आखिर किसके साथ गुजरनी है। अगर मैं खुदा को नहीं मानता तो मुझे ये पता है कि मेरा अंजाम जो है, जैसे अल्लाह ने कहा कि ये तो ये समझते हैं कि वक्त हमें जिंदा रखता है और वक्त हमें मारता है। अगर मेरा भी तसव्वुर हयात ये है कि वक्त ने मुझे जिंदा रखना है और वक्त ने मुझे मारना है, और भला वो सीधा हड्डियों में भी जान पड़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि आई मस्ट हैव ए टारगेटेड लाइफ जिसमें मैं अपनी मौजूदा सलाहियतों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करूँ और जिस तरह चाहूँ करूँ। मुझ पर किसी मॉरलिटी का दबाव नहीं, किसी अखलाक कोई अखलाक की टेंशन नहीं। आई एम फ्री टू डू एनी थिंग आई लाइक। मगर अगर मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी आज़ाद नहीं रहती, फिर मुझे मानना पड़ता है उसी के बकौल कि तुम्हें पहला सांस मैं देता हूँ, तुम्हें आखिरी सांस मैं देता हूँ, तुम्हें माँ बाप मैं देता हूँ, तुम्हें बीवी बच्चे मैं देता हूँ, तुम्हें खावन मैं देता हूँ, तुम्हें घर बार मैं देता हूँ, व तइज़ मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, ज़िल्लत मैं देता हूँ, इज़्ज़त मैं देता हूँ, तुम्हारे सांस सांस में मैं शामिल हूँ, वो नहरों अक्र वही में नहबिल वरीद, तुम्हारे रगे खून में चलते हुए हर कतरे में मैं शामिल हूँ। अगर वो इतना करीब है और अपनी आफाकी कुव्वतों को इस तरह एक्सरसाइज कर रहा है, तो खातिर हजरात मुझे कैसे बताओ कि मैं कहाँ आज़ाद हूँ, वेयर आई एम फ्री। अगर वो ये बात कहता है और अगर वो सच्चा है और अगर वो मेरा और आपका खुदा है, मामिन दाबतिन फिल अर्दे इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, तुम रिस्क नहीं कमाते हो, मैंने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ तुम्हें उस रिस्क तक पहुंचाता हूं, चाहे डिग्री से पहुंचाऊं, चाहे किसी हिकमत कार से पहुंचाऊं, मैंने रिस्क लिखा हुआ है। ये MSc के बाद इतना रिस्क है, इस जगह कारखाने में काम करने के बाद इसको इतना रिस्क मिला, रिस्क मैंने लिखा हुआ है, तुम्हें कारकर्दगी तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रोसेसेस मैंने तय किए हुए, तुमने नहीं किए। माविन दाबत इन फिल अर्दे इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तकरहा व मुस्तौदहा, मैं जानता हूं तुमने कहां कहां मकाम करना है, जानता हूं कि कहां कहां तुमने चलना और फिरना है। अगर हमारी मूवमेंट्स अंडर कंट्रोल हैं, इमेजिनेशन भी अंडर कंट्रोल है, वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह, तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं चाहूँ। खादिम आज़ाद, ऐसे लगता है कि एक ड्रामेटिक सा बंदशें लगी हुई हैं और परहैप्स नोबडी इज़ फ्री नोवेयर, और हमारी मजबूरी ये है कि इस तमाम बंदश में, मुकद्दरात की सख्ती में, हम एक वो गली ढूंढ रहे हैं जो हमारी आज़ादी की गली हो। इस पूरी ज़िंदगी के इस मुकम्मल एहतसाब की जद में जो परवरदिगार आलम फरमाते हैं
कि मैं नहीं तुम्हें पैदा कर सकता था बगैर प्लान किए। खुलासा ये है खातिनों हजरात कि इब्न अब्बास से पूछा गया कि कहीं कुरान जिक्र करता है आसमानों की तख्लीक का कि हमने बनाए पहले, कहीं जिक्र करता है जमीन की तख्लीक का? तो इब्न अब्बास ने कहा कि तख्लीक पहले है, दहूर बाद में। और खातिनों हजरात इसका मतलब ये है, बड़ी खूबसूरत तावील ये है कि कायनात ना बनती, सिदीम ना आते, बिग बैंग ना होता, कुछ भी ना होता, अगर पहले तस्वुर जमीन ना होता। अगर तखलीक जमीन का कॉन्सेप्ट ना होता तो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को तखलीक ना करता। और ये एक नहीं है, एक नहीं है, अल्लाह अल्लज़ी खलक़ सबा समावात व मिन अल-अर्ज़ मिस्लहुन, ऐसी तो मैंने सात कायनातें बनाई अल्लाह के। और न सिर्फ सात कायनातें बनाई है, सात जमीनें भी बनाई। अब सोचने को पड़ता है जी अल्लाह मियां तो करता क्या रहा है तेरी सात जमीनें सात, आखिर अक्सर क्या होता है? और न सिर्फ ये कि सात जमीनें बनाई, वह यतनाज़ुल अम्र बैनहुमा, इन तमाम जमीनों में मेरा हुक्म उतरता है, कुरान उतरता है। भाई क्यों उतरता है? ले तालाबू अन अल्लाह आला कुल शैन कदीर, क्या बंदगान खुदा तुम्हें पता तो लगे तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है, तुम्हें महसूस तो हो। एक वो अमेरिका के छोटे से बड़े आलम का हिस्सा नहीं है, इस खुदा को सोचो। मैंने प्रोफेसर मार्टिन शीट से, ऑस्टिन के हेड थे, सरबरा थे, उनसे कहा कि आपका तसव्वुर कायनात मुझे अजीब सा लगता है, मेरा जो अब खुदा कहता है हमने सात कायनातें बनाई हैं और सात ज़मीनें बनाई हैं और उनमें हमारा हुक्म उतरता है। तो उसने कहा प्रोफेसर वी डोंट हैव दिस ऑप्शन। तो मैं कहा ठीक है, मैंने कौन सा आपको मजबूर महल समझा हुआ है या बहस के लिए कह रहा हूँ, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। उस वक्त अभी और कोई तसव्वुर नहीं था, मैंने कहा वैसे मैं कह रहा हूँ कि आप तो क्वांटम और रिलेटिविटी के हेड हो, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मुसलमानों में तसव्वुर कायनात जुदा है, हमारा मजहबी तसव्वुर कायनात यह है कि अल्लाह ने इस किस्म की सात कायनातें बनाई हैं और सात ज़मीनें। तो खातिर हजरात दो तीन महीने गुजरे होंगे तो एक मैसेज मुझे आया जिसमें लिखा था कि उस प्रोफेसर ने किसी तालिब इल्म को आगे टेल दी प्रोफेसर योर ऑप्शन इज ओपन। मैसेज ये आया कि योर ऑप्शन इज ओपन, कि वो जो आपने मुतअद्दिद कायनात का ऑप्शन दिया था वो अब खुल गया और अब हम भी मल्टी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का सोच रहे हैं। खातिर हजरात कौन सच्चा है? साइंस सिर्फ एक तस्दीक करने वाला अमल है, मगर चूंकि दरमियान के रस्ते में होती है और जितनी भी तरक्की पजीर होंगे हम उन पर फाइनलिटी का आरफ उस वक्त रखते हैं जब वो कुरान की किसी आयत के साथ आके मिल जाएं। यूनाइटेड नेशंस में कुछ मुफक्करीन आए, उनमें कुछ अमेरिकन किताब इस्लाम पे लिख रहे थे, तो इस्लाम पे किताब लिख रहे थे तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि उसने कहा आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड आई नीड समबडी, मैं इंडिया गया हूँ, मैं अब मुझे बड़ा सीरियस सा सवाल है, मैं कह मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ। वो उसे उठा के मेरे पास ले आया, वो मुझे कहता है कि प्रोफेसर मैंने सुना तो है, मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान में इंडियन माइथोलॉजी में कायनात का तसव्वुर 18,000 साल पर मबनी है और क्रिश्चियन थे मिथ जो है 7,000 साल का, तो इस्लाम का क्या नजरिया? क्वेश्चन ये था उसका कि हनूद का जो तसव्वुर है, कौम हनूद की माइथोलॉजी ये बयान करती है कि कायनात की उम्र 18,000 साल है और क्रिश्चियन थियोलॉजी ये बयान करती है कि 7,000 साल है। अब आप बताओ कि मैंने इस्लाम में बड़ा ढूंढा है, बड़ी आलिमों की तारीख वारीख पढ़ी है, मुझे ये नहीं पता कि इस्लाम का तसव्वुर कायनात क्या है। तो मैंने कहा बात सिंपल सी बात है, दो एक आयात मुझे याद हैं और हैरानी की बात है कि सिर्फ दो छोटी छोटी आयात में अल्लाह ने एक में
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बयान किया है और एक में यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ लाइफ बयान किया। खादिम हजरात वो कहते हैं ना, हम ऐसे अहले यकीन को सबात हक के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफी थे, और अगर आप वाकई अहले यकीन होते हो तो आप यकीन करो कि कुरान की सिर्फ एक आयत ही आपके लिए यकीन के लिए काफ़ी थी। मगर वही बात है कि वो अब इससे बाबा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह, तो वो एक छोटी सी दो आयात हैं, सुबह शाम तिलावतों के हज़ारों लाखों और अरब लोग उसको पढ़ के निकल गए होंगे। ज़रा गौर कीजिए कि जब उसने मुझे कहा तो मैंने उसे कहा अवलम यरल्लज़ीन कफर अन्न समात वात वल अर्द कानत रत्कन फफतकनहुमा, तो मैंने उसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर सुनाया कि आयत ये कहती है हाउ डेयर यू डिनाई मी, तुम्हारी मजाल कहाँ के मेरा इनकार करो, कहाँ गए तुम दानिश्वर, किस यूनिवर्सिटी से साइंस पढ़ के आए हुए हो, मुझे बताओ तो सही, हाउ डेयर यू डिनाई मी, मेरा इनकार कैसे करोगे, अन्न समावाते वल अर्द कानत रत्कन फफतकनहुमा, इन द बिगिनिंग हेवंस एंड अर्थ वर वन मैस, देन आई फोर्सिबली टोर देम अपार्ट। जब मैंने उसे तर्जमा सुनाया तो उल्टा सीधा और कह रही, ओ माई गॉड दिस इज बिग बैंग, दिस इज बिग बैंग, मैं कहा हाँ है तो सही बिग बैंग, मगर मैं अगर सारे आलम इस्लाम में पढ़ के सुनाऊँ तो बिग बैंग कोई नहीं निकालेगा। और दूसरी आयत देखो, उससे भी मुख्तसर, उससे भी मुख्तसर, वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय, और हमने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। अब अगर बायोलॉजी भी सफर कर रही है, कॉस्मोलॉजी भी कर, इल्म हयात भी दुरुस्त समझ में रवान है, तो आप यकीन करो कि साइंसेस का सफर वहां रुकेगा जहां किसी कुरान की आयत के मुतबादिल हो जाए। कुरान बहुत आगे है, अब आप देखिए कहां से आए, वहां से चले टॉलेमी से चले, टॉलेमी अपना फर्स्ट थीसिस ऑफ कायनात दे रहा था, बड़ा गलत सलत अहमकाना सा, देन ही वॉज दी ओनली राइट साइंटिस्ट, और उसने कहा जमीन साकत है और उसके गिर्द पूरी कायनात घूम रही, चला गया वक्त, आगे साइंसदान आए, टॉलेमी की बड़ी गलतियां निकली, कायनात के नक्शे में चेंजेस आए, 1542-43 में कॉपरनिकस आ गया, पर कॉपरनिकस ने कहा टॉलेमी वॉज नॉट राइट, द फैक्ट इज कि सूरज खड़ा है और तमाम कायनात इसके गिर्द घूम रही है। साथियों हजरात, बीच में कुरान आ गया, ना वो टॉलेमी के ज़माने का है ना कॉपरनिकस के ज़माने का, वो तो बीच में आ गया, और कुरान हकीम ने ना इसकी तायीद की ना उसकी तायीद, और कहा कि वह सखर शम्स वल कमरा वल नजूम मुसख्खरात हुमे अम्रे, कि चांद सूरज सारे मैंने अपने हुक्म से मुसख्खर किए, और उसमें असूल क्या है, कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ये तमाम चल रहे हैं, ये तमाम जल, साइंस दौड़ती रही, सफर करती रही, हबल जा लगी आसमानों से, इंसान की आंख कुशादा हुई, कायनात को बेहतर नजर आनी शुरू हुई। अल्टीमेटली साइंसदानों ने ऐलान किया, जैसा जेम्स जीन की जुबान में, कि एवरीथिंग इज मूविंग इन द यूनिवर्स। हजरात, ये उस हक्कानियत की पहचान है, मगर वो नहीं पहचानते। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को देखो, वो कहती है कि देखो यूरोप में कोई कुरान पढ़ना पसंद नहीं करता, ये किताब ही हवा समझे जाती, कोई भी नहीं पढ़ना पसंद करता, इसलिए डेलिबरेटली वो, उसने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है कि डेलिबरेटली वेस्टर्न्स डू नॉट लाइक टू स्टडी द कुरान, और इस बात की शहादत लॉर्ड बर्टन रसल से मिलती है। अब रसल से बड़ा कौन उनका नुमाइंदा हो सकता है, तो एक दफा जब उसने क्रिश्चियनिटी पर बहुत जज्र व तौबीख की, खासा ख्वार किया क्रिश्चियंस को, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, तो उसके किसी ने, मुसलमान ने, आपको तो मुसलमान जोशीले तो बड़े होते हैं ना,
خط شط لکھنے میں، احتجاج کرنے میں. تو ایک مسلمان نے خط لکھ دیا تو اس نے کہا مسٹر اسر، آپ نے بائبل کے بارے میں تو بہت باتیں کی ہیں، تو ڈیڈ یو ایور اسٹڈی دی قرآن؟ تو آگے سے نسل نے جواب لکھا، وائی شوڈ آئی، آل گاسپل ٹروتھ از الائک، کہ میں کیوں پڑھوں، سارا گاسپل ٹروتھ ایک جیسے ہی تو ہے. مگر خاطر حضرات، اتنی بڑی بددیانتی اور اتنا بڑا فلاسفر. تب مجھے یقین آیا کہ وہ جو اس کو الزام دیتے ہیں نا، اس نے اپنے استاد کی کتابیں چوری کر لی تھی، صحیح ہو. آپ کو کہتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ تھے رسل پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے وٹ کانسٹائن کے کانسیپٹ چوری کر لیے. تو مجھے لگا کہ وہ صحیح کہتے تھے، کیونکہ جب اس کو پوچھا گیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، کہتے ہیں وائی شوڈ آئی، آل گاسپل ٹروتھ از الائک. اتنی بڑی بددیانتی کا آپ دیکھیں ثبوت ہے کہ اتنا بڑا فلاسفر اور تو دانشور بنتا ہے، اور پھر جب اس کو بھائی پڑھ تو لینا، پھر کوئی رائے دے، تو مذہب پہ گفتگو کر رہا ہے. ابھی ایک اور بڑے دانشور نے عصر حاضر کی پوری نمائندگی کرتے ہوئے نیو ڈارونینزم کو آگے لاتے ہوئے، اس نے اپنی کتاب میں ایک بڑا مزیدار سا دعویٰ کیا، اٹس لافیبل. کہتا ہے میری کتاب آپ شروع کرو صحیح، آخر تک پہنچتے پہنچتے تم یقیناً سب دہریے ہو جاؤ. تو پتہ لگا اس کا جو سروے کیا گیا کافی سارے لوگ، تو ایک اندھا اور بہرا جو تھا وہ بالکل عقل سے معاف، وہ اس کے پاس آ گیا، باقی تو کوئی نہیں آ رہا تھا کہ میں دہریا ہوں. وہ جو اللہ کہتے ہیں نا، اسے اندھے اور بہرے ہی ان چیزوں پہ گئے. آپ یقین کیجئے کہ اگر دلیل پہ دنیا چلتی ہوتی، اور کائنات اگر کسی فکری دلیل پہ مرتب ہے، تو یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ فکر کو آگے بڑھانے والی اللہ کی ذات، سب سے زیادہ انکوائری کو پروگرس دینے والی اللہ کی ذات. جو پروردگار عالم یہ کہے کہ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور. میرے اسٹوڈنٹس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گے، یار کچھ تو سمجھو کہ آپ اللہ کو کس طرح پوچھتے اور مانتے اور اللہ کیا چاہتا ہے. کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، گونگے اور بہروں کی طرح قرآن پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. خدا کو جب مراتب انسان مقرر کرنے تھے، تو یقین کرو کہ عبادت پہ نہیں رکھے، اس نے روزوں پہ نہیں رکھے، آدھی راتوں کو اٹھنے والوں کو بھی نہیں رکھا، کسی چیز پہ نہیں رکھا، کسی ظاہرہ عبادت پہ اس نے درجات انسان کو مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں جتنے بھی درجات مقرر کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں درجات دیتا ہوں. رسول یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. وہ ظاہرہ عبادات پہ درجے نہیں رہتا. جب ایک اللہ یہ کہے، جو کوئی بھی ہے وہ یہ کہے، لیہلک من ہلک عن بینۃن، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وہ یحیٰ من حیٰ عن بینۃن، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. تو کیا خیال ہے وہ اپنے لیے کوئی دلیل نہیں رکھے گا؟ یہ حقیر مجبور انسانی ذہن کی تخلیق، جسے آپ، میں اسے اس لیے کہتا ہوں کہ سائنسز آپ کی صرف ایک جزو ذہن ہے. وہ تحقیقات جو زمین و آسمان میں ہوتی ہیں، وہ صرف ان بنیادی اصولوں کو پہچان رہی ہیں جو پروردگار عالم پہلے سے بنا بیٹھا. ابھی آپ دیکھیں نیو ڈارون سے ایک جز، ایک زندگی پیدا کر، پروٹین بنیادی تخلیق کر لی جس سے پہلی زندگی تخلیق ہوئی ہے. مگر کوئی ان سے پوچھے کہ کیا وہ اجزاء زندگی کے جن کی مدد سے اس نے تخلیق، وہ بھی انہوں نے پیدا کیے تھے؟ اللہ عقل ضرور دیتا ہے بندے، یوت الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا. اور تو اور،
صاحبو یہ اللہ کو یاد کرنے کی بات بھی خود اللہ ہی کسی طریقے سے بتاتے ہیں. ظاہرہ عبادات اور ہمارے جو تصوراتی عبادات میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کسی انگریز نے اچھی بات کہی, اس نے کہا مسلمانوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے بلکہ خاص طور پہ ہمارے بہت سارے ماڈرن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تمام اصول اسلام جو ہے 20% قرآن پر ہے, 80% حدیث پہ ہے. کہ تمام جو قانون اسلام ہے وہ صرف 20% قرآن پہ ہے اور 80% جو ہے اس کا انحصار حدیث پہ ہے. اسی طرح تصوف کا بھی ایک قانون ہے, جس طرح شریعت جو ہے وہ 20% خارجی حالات پہ ہے اور 80% جو ہے اسی طرح تصوف اور انسان کی علمی تحقیق اور جستجو کا انحصار 20% خارج پہ ہے اور 80% اس کے ذاتی غور و فکر پہ ہے. وہ غور و فکر جو اسے مختلف آثار و روایات کو جمع کر کے خدا کی طرف ترغیب دیتے ہیں, اور اس معاملے میں اللہ کی حضور اور اس کی شناسائی اور محبت طلب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بہترین بندے ان کو نہیں ڈکلیئر کیا, ذرا غور کیجیے گا, ان کو نہیں ڈکلیئر کیا جو صرف اپنے آپ کو نمازوں اور روزوں تک قید رکھتے ہیں. حاضر حضرات, اللہ نے اپنے بندے ان کو ڈکلیئر کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم, جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے رہتے, ان کو شمار. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے رہتے. حاضرین حضرات, بدقسمتی یہ ہوئی کہ پہلا حصہ ہمارے پاس آ گیا, دوسرا ادھر چلا گیا. وہ دوسرے حصے والوں کو پہلا نصیب نہیں ہوا, پہلوں کو دوسرا نصیب. جس ٹوٹل بائیفرکیشن کہ اللہ کی یاد, ویسے جزوی طور پہ کہہ رہا ہوں اللہ کی یاد بھی اٹھ گئی ہے, مگر اللہ کی یاد ہمارے پاس رہ گئی اور یتفکرون فی خلق السماوات جو ہے ادھر چلی گئی. اگر آج بھی ہم نے وہ توازن گین کرنا ہے جو اس دین و دنیا دونوں میں, وہ اللہ آپ کی دنیا کا کیسے مخالف ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ جو کہتا ہے کہ یہ مت کہو کہ دنیا باطل, سبحان ربنا ما خلقتا ھذا باطلا, یہ مت کہو کہ دنیا باطل, جب اس دنیا کو کیسے باطل کہو کہ اس کا ہر سگنل خدا کو جاتا ہے, ہر اشارہ صحرا کا ہر قدم اس ہستی کو چلا جا رہا ہے. آپ اس کو چھوڑ کر آپ کہاں سے گین کرو گے؟ وہ تمام ٹریفکنگ کہاں جائے گی؟ اگر آپ ڈھونڈنا چاہو اور سراغ حقیقت طلب کرو, اگر ہمسائیگی پروردگار کی طلب ہوگی تو رستہ تو ادھر ہی سے جاتا ہے. دیکھو, آپ ذرا امیجن کرو, آپ نے ایک مخلوق پالنی ہے, کچھ دو چار تجربے کرنے ہیں اسی اوپر, آپ نے ایک بہت بڑا کیس بنا, اوپر شیشہ رکھ لیا, آپ اوپر سے واچ کر رہے ہو, اندر آپ نے مختلف قسم کے تجربات شروع کرے, کسی کو ٹیکہ لگا رہے ہو جانور کو, کسی کو یہ کر رہے ہو تاکہ آپ اپنے مطلوبہ نتائج پا سکو. دس ورلڈ از ناٹ ٹو بیک, کم از کم اللہ کے نزدیک تو نہیں. جو اللہ اتنے بڑے سورج کو جو ہماری امیجنیشن اس وقت تھرا جاتی ہے, یا پرے جبریل جلنا شروع ہو جاتے ہیں ہم جب سورج کے تقرب کا سوچتے ہیں, جو اللہ اتنے بڑے سورج کو کہتا ہے ایک چھوٹا سا جلتا ہوا چراغ, وہ کیبلری بدل جاتی ہے جب اللہ کے پاس آپ چلنا شروع کرتے ہو نا, تو آپ کے اندازے معدوم ہو جاتے ہیں, وہ کیبلری ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھو جنت کہیں دیکھ لو, اب پتہ لگا ہے آج آ کے, بڑی مدتوں کے بعد خیال تھا کہ چلو جنت میں داخلے بڑے مشکل ہوں گے, جگہ تھوڑی ہوگی, بڑا رش ہوگا, 8 گیٹوں پہ بندے پہ بندہ مصروف ہوگا, کچھ سمجھ نہیں آتی ہوگی.
अब पता लगा है कि भाई जी बिल्कुल खुले रास्ते हो। जब कुरान पढ़ा जाए तो पता लगता है, अब अगर कुरान खाली पढ़ने से मौलवी के हाथ से पढ़ने से कुछ नहीं समझ आएगी, पढ़ा है साइंसदान को पढ़ने से पता लगेगा कि भाई वक्त पै गया, इतने बिल्कुल जन्नत खाली रहेगी, इतने से क्वालिफाई नहीं कर। दो चार आपके सामने ये सबसे बड़ी मजबूत तरीन नसर हाजिर की आपको एक हदीस सुना रहा हूँ कि ये अल्लाह के रसूल कैसे। मैंने कहा ना 2500 बरस तो गुजर गए, अब जमाना तो लग गया है करीब, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। और देखो आज तक जमीन व आसमान में कोई बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता सवाए मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट इज इम्पॉसिबल इवन टू इमेजिन सच जो अल्लाह के रसूल कह रहे। कहते हैं हो सकता है कि अल्लाह जमीन की उम्र आधा दिन और बढ़ा दे। पूछा गया या रसूल अल्लाह आधा दिन कितनी, फरमाया 500 बरस। मुझे पता है आपको जमीन का जिमनी बजट अभी आना है। यानी हजूर के इरशाद के मुताबिक हो सकता है कि अल्लाह जमीन की उम्र आधा दिन और बढ़ा दे, यानी इसे 500 बरस एक्सटेंड कर दे। अब देखो ना आप तो कहते हो ना कि जी कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। अब ये सोचो कि अगर अल्लाह मियाँ 500 बरस जमीन की उम्र एक्सटेंड कर दे तो कम अज कम अगर 50 की एवरेज रखी जाए तो 5 नस्लें तो आएंगी इसमें, या 10 नस्लें तो आएंगी, उनके जॉब उनकी रोटियां उनके मकामात, तो ऊपर से कोई तय होगा सिस्टम तो नीचे आएंगे ना। नीचे वाले तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी ज़खायर हमें कम पड़ गए हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो एक एक चीज़ का बंदोबस्त करके ना भेजेगा ज़मीन पर, ये तो हमारे लोग जो देखे नहीं हमारे साथ 13.5 मखलूकात हैं, जेनस जिंदगी की अशिया हैं, अकदार हैं मुख्तलिस हैं। और अगर एक जो मखलूक अलहदा कर ले अपने आप को, कहे मैं खाता हूँ मैं कमाता हूँ मैं सोचता हूँ मैं ये मैं वो, तो कम अज कम अकल ये तो कहती है ना बाकी 13 लाख को कौन कहता भाई। अकल कहेगी तो सही भाई, अगर दावा और तंतना ये है कि मैं ही काम करता हूँ मैं अपना मालिक हूँ मैं खुद मुख्तार हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 13 लाख मखलूक जमीन पर हमारे साथ है उसमें एक तो एक्सेप्शन भी नहीं करी जाती, देयर नोबडी इज नथिंग। तो ये सोचना जरूरी है कि जो खुदा सुबह शाम, देखिए हमारा और वेस्ट का ज्यादा फर्क नहीं है इतना, सिर्फ एक ही फर्क है कि दे से वी ओनली लिव वंस एंड वी से वी हैव टू लिव अगेन, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मगर लिविंग अगेन और लिविंग वंस में मेजर फर्क ये है कि somebody has to believe in God before living again। और जिनकी जिंदगी यहाँ तक ख़त्म है वो ख़त्म है। हज़रत अली करमल्लाह वजू ने यही यहूदी को जवाब दिया था कि अगर अल्लाह नहीं है तो हम मर भी गए तो हमें नुकसान तो नहीं है ना कोई, और मगर बेवकूफ़ अगर अल्लाह निकल आया तो तू जो नहीं मान रहा तेरा पट्ठा बैठ जाए। है ये तो कहे ना हमें, चलो हमें कह लो वो जो बहस क्यों करते हो इस पर कि तुम अल्लाह को मानते हो मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा यार ठीक है मैं नहीं मानता और मगर जो मानता है उसको नुकसान क्या आगे, अगर उसने भी खाक बसर हो जाना है मिट्टी में मिल जाना है तो आगे उससे कुछ भी नहीं पूछने वाला तो कोई नहीं है कि क्यों तूने ये ख्याल पाला हुआ था, मगर अगर निकल आया तो फिर तेरा बड़ा बुरा हाल होगा यहूदी। इसलिए हजरत मूसा ने कहा था कि औज़ु बिल्लाहि अन्नकूना मिनल जाहिलीन, क्या परवरदिगार में इस कौमी जोहला से पनाह। खाजन हजरत असली हाल